विंध्या सरकार अब से नए समय पर सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। तुम अपनी परेशानियों से इतना थक गए थे कि तुम्हारी आंख लग गई। पर अब तुम उस परेशानी से बाहर हो। अब है विंध्या से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अब उस रिश्ते की बस परछाई बची है। अब है, अब तो कोई अड़चन, कोई दीवार, कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो हम एक हो सकते हैं ना। बोलो, चुप क्यों आप है? बोलो ना, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना। इतना सब कुछ हो गया मेघा, अभी एक रिश्ते से बाहर आया हूँ, दोबारा किसी दूसरे रिश्ते से जोड़ने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ? मेघा, छोड़ो मुझे। तुम कभी हाँ नहीं बोलोगे ना, और मैं यूं ही इंतजार करती रहूंगी तुम्हारा। इससे तो बेटर होगा कि मैं जान ही ले लूं अपनी। ये क्या पागलपन है मेघा? छोड़ो आप। मेघा छोड़ो, खुद की जान क्यों लेना चाहती हो? और मैं क्या करूं? अरे मैंने थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा है मेघा। थोड़ा सा वक्त चाहते हो, और अगर उसी वक्त में विंध्या ने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम नहीं जानते वो कुछ भी कर सकती है। हम एक बार शादी कर लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो हमें अलग नहीं कर पाएगी। अभी मैं बस इतना ही तो चाह रही हूँ। मेघा, उसके लिए भी डिवोर्स पूरी तरह हो जाने तक हमें रुकना ही होगा। अगर उसके बीच उसने मुझे रास्ते से हटा दिया तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। अभय, मैं फिर से तुम्हें नहीं खो सकती। तुम नहीं जानते वो क्या कर सकती है। बस एक बार अगर हम दोनों शादी कर लेंगे ना, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। अभय, क्या हुआ? हमने सब सुन लिया है लल्ला, मेघा सही बोल रही है। जानते हो अभी अभी क्या हुआ है? अभी हम मंदिर में दिया जला रहे थे तो पीछे से बिंदी आई और हमसे कहने लगी, तलाक के कागजात पर दस्तखत तो करवा लिए, अब इसे आगे बढ़ाओ तो जाने, घर से बाहर निकालो तो माने। सीएम है हम, मुख्यमंत्री, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा उसने? हाँ, रुकिए, मैं अभी उसे जाके। अरे नहीं लल्ला, रुक रुक, वहां जाकर का करेगा तू? डांटेगा ना उसे, और फिर का, वो अपना सारा गुस्सा ना मेघा पर निकालेगी। अरे इसके पहले भी उस पर हमला करवा चुकी है ना, अब अगर दोबारा करवा दिया तो? लल्ला, हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ना तुम मेघा के साथ ब्याह कर लो बस। लेकिन मां, जब तक तलाक नहीं मिल जाता, मैं कानूनन विंध्या का ही पति हूँ, तब तक मेघा से शादी नहीं कर सकता। बस इतनी से अर्जुन, इसे हम दूर कर देंगे। हम तलाक की बात कर रहे हैं। देखिए ना, अभय जी ने अपनी जिंदगी का वास्ता देकर वो कागज पे दस्तखत करवा लिया, अब आगे का काम हम आसान कर देते हैं।
हेलो सचिव जी, वो फैमिली कोर्ट के जज कौन है? नीलिमा जी, उनसे कहिएगा कि हम अपने घर में ही कोर्ट लगवाना चाह रहे हैं। कल तड़के ही सब तैयारी के साथ आ जाइएगा। कल सुबह आपका काम हो जाएगा, बस खुश। यहाँ खड़ी खड़ी का कर रही हो? जाओ जाकर के रसोई देखो। यहाँ जब सब काम हो जाएगा तो लोग खाना भी खाएंगे ना। जाओ जाकर देखो। का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं चाहते थे कि हमारे रिश्ते का तमाशा बने, इसलिए गुजारिश करके आपको यहाँ बुलाया केस की सुनवाई के लिए। डोंट वरी, केस की प्रोसीडिंग सीक्रेट ही रहेगी। हमने आपके डिवोर्स के पेपर्स पढ़ लिए हैं। आप दोनों को तलाक चाहिए। नहीं, नहीं। पर आपने तो सारे पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए। क्योंकि हमारे पति ने कहा था कागज पे दस्तखत करके। ने मना कैसे करते? तुम बात को घुमा क्यों रही हो? कल हमने साफ साफ बात तो की थी और फिर साइन किया था। साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि कल हमने बात की, तलाक के बारे में सोचा और फिर साइन कर दिया तुमने? नहीं, आपने बात की, आपने सोचा तलाक लेने के लिए। हमने तो केवल दस्तखत किया, इसमें कौन सी बात घुमाई हमने? योर ऑनर, मुझे जल्द से जल्द तलाक चाहिए। मिस्टर भारद्वाज, आप तो पुलिस वाले हो ना, सबसे पहले केस की एफआईआर होती है, फिर चार्जशीट बनती है, फिर केस अदालत में जाता है, वकील जिरह करते हैं, उसके बाद जाकर कहीं फैसला होता है। आप तो सीधा फैसला ही लेने के लिए कह रहे हैं। पहले ये तो साबित कीजिए कि तलाक क्यों होना चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि तलाक देना है या नहीं देना है।